In last class, we were discussing about the plastic money, debit and credit cards. And this is the topic of Unit 4 of Web Technology and E-commerce, KMBIT 02. So we have discussed about what is plastic money, okay, and what about various types of various classifications of plastic money, like debit card, credit card, charge cards, photo cards are there, global cards are also there, co-branded cards, affinity cards, and add-on cards. Okay, so now the next topic is debit cards versus credit cards, the key differences in between these two. Okay, so if you talk about the differences in between debit cards and credit cards, so there are certain parameters and like spending limit. So in terms of spending limit for debit cards, daily limits on spend and cash withdrawal means agar aap debit card use karte hain to there is a daily limit on spends and cash withdrawal. ठीक है कि आप इतना पैसा जैसे होता है ना कि एक कार्ड से आप 20,000 तक ही एक दिन में निकाल सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट डे अगर आपको 20,000 से ज्यादा चाहिए तो आपको नेक्स्ट डे आना होगा. ओके, सो डेली लिमिट ऑन स्पेंड्स, और इसी तरीके से खर्च करने में भी एक लिमिट है. सिमिलरली फॉर क्रेडिट कार्ड, तो क्रेडिट कार्ड के लिए अगर हम देखें तो मंथली क्रेडिट लिमिट बेस्ड ऑन द कार्ड. ठीक है, तो मंथली क्रेडिट लिमिट है, और एक तरीके से कह सकते हैं या टोटल लिमिट होती है जो भी आपके कार्ड की लिमिट है, तो उसके बेसिस पर आप क्रेडिट कर सकते हैं अमाउंट. ठीक है, तो मंथली एंड डेली लिमिट ऑन कैश विड्रॉल. और अगर आप कैश विड्रॉ करते हैं, जैसे मैंने बताया था कि क्रेडिट कार्ड से आप सर्टेन अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं, बट उसमें हैवी चार्जेस लगते हैं, इंटरेस्ट चार्जेस. तो जहां तक है कि आप क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉ ना करें, ठीक है, अदरवाइज 3-5% तक पर मंथ आपको जो है चार्जेस बियर करने पड़ सकते हैं. ठीक है, तो दैट आर द मीन्स डिफरेंसेस ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड इन टर्म्स ऑफ स्पेंडिंग लिमिट्स. ओके, नेक्स्ट इज द बेनिफिट्स. व्हाट आर द बेनिफिट्स? तो व्हाट यू स्पेंड इज इंस्टेंटली डेबिटेड फ्रॉम योर अकाउंट. सो ये है कि डेबिट कार्ड बेसिकली आपके अकाउंट से लिंक होता है. ठीक है, तो जैसे जितना आप स्पेंड करते हैं वो आपके अकाउंट से कट जाता है. ठीक है, तो डेबिट हो जाता है. तो जैसे ही आपने डेबिट कार्ड स्वाइप किया कहीं पर भी, तो तुरंत एक मैसेज आ जाता है कि योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड ऑफ दिस मच अमाउंट. ओके, सो यू व्हाट यू स्पेंड इज इंस्टेंटली डेबिटेड फ्रॉम योर अकाउंट, सो देयर इज नो रीपेमेंट नीडेड. है ना, जैसे होता है ना कार्ड में कि कार्ड का एक बिल बन के आता है, उसके बाद आप उसको पेमेंट करते हैं, तो इस तरीके से डेबिट कार्ड में कोई रीपेमेंट का ऑप्शन नहीं होता. ठीक है, तो नो रीपेमेंट नीडेड. ठीक है, नो इंटरेस्ट चार्ज, कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता, जीरो इंटरेस्ट चार्ज है, कहीं भी आप स्वाइप कर सकते हैं. ठीक है, उसमें कोई भी आपका पैसा नहीं लगता है. जैसे होता है ना कि पेटीएम में अगर आप क्रेडिट कार्ड से वॉलेट में अमाउंट डालते हैं तो उसमें पैसे लगते हैं, या किसी को पे करते हैं क्रेडिट कार्ड से तो पैसे लगते हैं. ठीक है, चार्जेस लेता है, लेकिन अगर डेबिट कार्ड से करते हैं तो कोई चार्जेस नहीं लगते हैं, तो नो इंटरेस्ट चार्जेस. ओके, और इसी तरीके से बैंक भी कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं लेता है. एंड गेट कैशबैक एंड डिस्काउंट, और कैशबैक और डिस्काउंट आपको जो है आप यू कैन अवेल बाय यूजिंग डेबिट कार्ड. इवन आजकल आप देखिए तो आप ई कॉमर्स साइट से भी डेबिट कार्ड के थ्रू, क्रेडिट कार्ड के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू यू कैन शॉप, और उसमें आपको अच्छा कैशबैक और डिस्काउंट भी मिलता है, उसको प्रमोट करते हैं. ठीक है, कोई स्पेशल अगर जैसे होता है ना HSBC क्रेडिट कार्ड या HDFC क्रेडिट कार्ड या आपका सिटी बैंक क्रेडिट कार्ड, तो उसमें स्पेशल डील कुछ वेंडर्स हैं जो कि ऑफर करते हैं. तो ये जैसे मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको कि ये एफिनिटी कार्ड्स सॉर्ट ऑफ थिंग्स या को ब्रांडेड कार्ड्स, तो इस तरीके के ऑप्शन में आपको एक अच्छी डील भी मिल जाती है. नेक्स्ट इज क्रेडिट कार्ड. तो क्रेडिट कार्ड में अगर बेनिफिट देखें तो फर्स्ट बेनिफिट इज बाय नाउ एंड पे लेटर. ठीक है, अभी आप परचेज करें और बाद में पे करें. ठीक है, तो बाद में कितना, 50 डेज बाद, 50 डेज के अंदर आपको पेमेंट करना होता है. तो एंजॉय 50 डेज फ्री, तो 50 डेज के बाद विद इन 50 डेज आपका बिल बन जाता है, और उसके बाद 50 डेज के अंदर आप करना होता है. डिस्काउंट्स एंड रिवार्ड्स एंड माइल्स एंड EMI बेस्ड रीपेमेंट, अगर आप चाहें तो जो आपका टोटल ट्रांजेक्शन है उसको आप EMI में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. EMI का ऑप्शन होता है. ठीक है, तो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग क्रेडिट कार्ड्स. ओके, नेक्स्ट इज एनुअल फीस. इफ यू टॉक अबाउट द एनुअल फी ऑफ डेबिट कार्ड, तो दैट इज लो टू निल.
ठीक है, बहुत नॉमिनल, या तो डेबिट कार्ड की फीस लगती है एनुअल, या फिर नील जीरो, क्योंकि आजकल क्या है कि हर बैंक अकाउंट के साथ आपको डेबिट कार्ड देना मस्ट है, ठीक है। एंड यहाँ अगर क्रेडिट कार्ड की बात करें, तो क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, इट डिपेंड्स ऑन कार्ड कि आपका कार्ड किस कैटेगरी का है। ज्यादा रिवार्ड पॉइंट लेंगे तो ज्यादा उसमें प्रोसेसिंग फी भी लगेगी, है ना, और या फिर डिपेंड करता है कि कार्ड आपने किस बैंक से लिया है, उनके क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो डिपेंड ऑन कार्ड एंड डिपेंड ऑन योर बैंक ऑल्सो। नेक्स्ट इज सिक्योरिटी फीचर्स। तो अगर सिक्योरिटी फीचर की बात करें, तो डेबिट कार्ड में पिन का यूज करते हैं, ओटीपी का यूज करते हैं, और एसएमएस नोटिफिकेशन का यूज करते हैं, ठीक है। जब भी आप स्वाइप करेंगे तो आपको एसएमएस नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। ओटीपी जनरली मांगता है, और पिन का आप इस्तेमाल करते हैं जब भी आप विड्रॉ करते हैं, कैश विड्रॉ करते हैं तो उस समय, ठीक है। नेक्स्ट अगर क्रेडिट कार्ड की बात करें, तो जीरो लाइबिलिटी इंश्योरेंस ऑन लॉस्ट और स्टोलन कार्ड, ठीक है। अगर आपने आपका कार्ड खो गया है या किसी ने उसको चुरा लिया है, ठीक है, तो जीरो लायबिलिटी इंश्योरेंस मीन आप इमीडिएटली उसको ब्लॉक कर सकते हैं, और उसके बाद दोबारा नया कार्ड आपको इशू होकर के आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा पिन, ओटीपी और एसएमएस नोटिफिकेशन, जैसा कि डेबिट कार्ड में होता है वैसा ही आपके इसमें भी होता है। इवन इसके अलावा एक और बेनिफिट है कि आपको इंश्योरेंस भी मिलता है, ठीक है, इन केस ऑफ कुछ मिस हैपनिंग आपके साथ हो जाती है, तो कुछ कार्ड में इंश्योरेंस भी है, ठीक है। जो भी डेबिट या क्रेडिट कार्ड आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बैंक के हिसाब से, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द की डिफरेंसेस इन बिटवीन डेबिट कार्ड्स एंड क्रेडिट कार्ड। सो यू मे फर्दर स्टडी अबाउट दिस टॉपिक फ्रॉम फॉलोइंग ब्लॉग्स एज वेल एज योर टेक्स्ट बुक, ओके। सो इफ यू हैव एनी डाउट और क्वेरी रिगार्डिंग दिस पॉइंट, यू मे आस्क।